हम लोग जान रहे पीठों में इसलिए पाकिस्तान की आज पढ़ते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, आपने क्या किया है बताएं, क्या बन रहा है अभी को फिलहाल सैंडविच? अरे वाह जबरदस्त, मतलब गर्मा गर्म सैंडविच। जी जी, और क्या है सैंडविच है, ये क्या चीज है? सैंडविच और मैक्रोनी। मैक्रोनी जबरदस्त। मैक्रोनी कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है। आठ बजे निकलेगी। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, तो मैं हूँ ऑर्गेनाइजिंग टीम। और मैं भी हूँ ऑर्गेनाइजिंग टीम में। तो हाला हमारे 14 अगस्त का फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है। अल्लाह ताला इसी तरह बरकत दे मुल्क को भी, हमारे स्क्वायर को भी, सब करने वालों को भी तरक्की दे। आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماشاءاللہ سب نے بہت خوبصورت تیرت کی ہے بھائی سب کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجا دینا اب دوسری کیٹیگری ہمارے پاس ہے یہ نعت خوانی کی पाकिस्तान।
कौमी एयरलाइन है PIA, इसका पुराना नाम क्या था? PIA का पुराना नाम कोई गूगल नहीं चेक करे, गूगल नहीं, सॉरी सॉरी, इंटरनेट निकालो, गूगल नहीं, किसी को नहीं आता, इंटरनेट से गूगल हो रहा है, गूगल जबरदस्त, सही जवाब, जवाब दुरुस्त है, नाम ले जाओ। ओरिएंट एयरवेज पाकिस्तान का मतलब क्या है? ये जवाब नहीं है। सही जवाब किसको आता है? पाकिस्तान जो उर्दू का लफ्ज है, पाकिस्तान, इसका उर्दू तर्जुमा क्या है? पाक सरजमीन। फिर बात हो जाए बचपन से सिखाया पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला ला गूगल भी गए नेशनल लैंग्वेज है तो सबको पता है कि उर्दू है। ये ऑफिशियली कब डिक्लेयर हुआ कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है? किस सन में ये नेशनली डिक्लेयर हुआ? 2019 में। सही जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह से इवेंट जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब बच्चे बड़े हर कोई जो है एक होकर 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो जज्बा है, जो जोश व खरोश है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह अवाम का हमारा जज्बा है, जोश है, इसी तरह हम अपने मुल्क को जो है आगे बढ़ाने में इतना ही जोश और जज्बा दिखाएं और हमारा मुल्क जो है कामयाबी की तरफ जाए, आमीन सुमा आमीन। आज का ये व्लॉग जो था ना, ये एक घंटे का व्लॉग था और जो कि मैं अपलोड कर तो चुकी हूँ, लेकिन उसमें कुछ सॉन्ग्स की वजह से कॉपीराइट क्लेम आ गया जो कि मैं पब्लिश नहीं कर सकती। अगर आपको ये वीडियो डिटेल में फुल वीडियो देखनी है, जिस तरह से बच्चों ने तिलावत कुरान से शुरुआत की, उसके बाद नात खानी का इंतज़ाम किया गया है, उसके बाद जो है हमने मतलब खूब इंजॉय किया, फुल डिटेल वीडियो जो है मैंने लिंक लगा दिया है, वो जाइए और चेक कीजिए, अगर चाहें तो वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो कौमी तराना था वो पहली मरतबा कब नशर हुआ? तो ये प्यारे से बच्चे हमारे साथ हैं, ये बोलेंगे पीछे तो देखो। आप अपना नाम बताएंगे? Which is
alaikum. In 76 years of independence, Pakistan's journey began with many ups and downs. From the election of our birth as an independent nation to the trials testing our unity, our history is a tapestry of challenges and achievements. Over these 7 decades and 6 years, Pakistan has transformed lives. Long live Pakistan, Pakistan, Zindabad. My name is Khan Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable guests, assalamu alaikum. I, Khan Isa, son of Khan Kareem, is very thankful to you for giving me this opportunity to deliver my words in front of you. 14th August is a very historical day in the history of Pakistan. Our homeland, Pakistan, is not the land of the world which are inherited to its citizens, but Pakistan is a country of which Muslims of combined India serve their bones and bricks and their blood and water, the basis of Pakistan. Only those can judge the true value of this naive creation who himself had participated in building this country and sacrificed his wife, children, sisters, brothers and all blood relations. May Allah make every Pakistani more loving to this country. Ameen. Pakistan. मौजू पर इदारे ख्याल करना है वो है फर्द कायम रक्त मिलत है तनहा कुछ नहीं जनाबे वाला इत्तेहाद या कैदी की दुआ हर दौर में मुस्लिम रही है चंद अफराद मुश्तमिल एक खानदान हो या रियासत इनकी हकीकी वजूद फकत इत्तेफाक और इत्तेहाद और आईनी तआवुन से ही भारत की जुबत है जब हमारे इस आज़ादी की नियमत को हमेशा के लिए लाजवाब करने का अहद जहाँ कोई नहीं देगा जमीन हो गई तो तुमको आमान कोई नहीं देगा वतन जो मिट गया तो तुम मिट जाओगे ना दानो वतन जो मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे ना दानो इसी को जिंदगी समझो इसी को जिंदगी मानो और बहुत छोटा मुन्ना तालियां बजा के उसके हौसला अफजाई करें Thank you.
पाकिस्तान जिंदाबाद। थोड़ी देर में परफॉर्म करेंगे आप जी बुला रही हैं तो आप लोग सब उनसे वाकिफ हैं, हमारे जान है वो, हम सबकी आन है वो, तो लोग उदास थे वो महफिल में आ गए और उनकी अदा अदा में हैं रानाइयां बहुत महफिल की बन के जान वो महफिल में आ गए। आप सबकी तालियों में तालियां बजती रहनी चाहिए। सिंडिकेट के यूनियन के सदर जनाब मोहम्मद सरवर तशरीफ ला रहे हैं। तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे। हम रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं तमाम माओं बहनों बुजुर्गों दोस्तों और बिलखसूस हमारे शाह साहब और हमारे बिल्डिंग के बानी कह लें शाहिद साहब और हमारे बुजुर्ग बैठे हुए और उसके साथ साथ बिलखसूस मिस्टर एंड मिसेज आतिफ लखानी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने प्रोग्राम में आकर शिरकत की और प्रोग्राम को चार चांद लगाए। हम इसलिए प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आपस में भाईचारे की मेल जोल और आपस में नफरतें खत्म हो, मोहब्बत हो, यौम आजादी का मौका है। मैं आप सब लोगों से इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, अगर बिल्डिंग में किसी को किसी से नाराजगी है वो भी खत्म कर दें। आज यौम आजादी का मौका है, अपने दिल साफ रखें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आए, बच्चे बड़े का एहतराम करें, बड़े बच्चों की शफकत के साथ पेश आए। आत्मा का और उज्मा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमारे साथ तावन किया। शाह साहब का भी शुक्रिया, इन्होंने फूड स्टॉल लगाया यहाँ पे। हर बंदे ने में रहने वाले ने अपने अपने तौर पर अपना अपना किरदार अदा किया है। मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूँ इस शेर पे, बन सलासल चलते रहो गर्दने काटते रहो, बन सलासल चलते रहो गर्दने काटते रहो, टपकते रहो की पुकार जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। कैसे लग रहा है कि मतलब 14 अगस्त जो भी टीम लगी है, अस्सलाम वालेकुम जी, आपको यहां आके कैसे
लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा, और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने एंजॉय किया? आपने नेशनल सॉन्ग नहीं गाना क्यों? ये अपने स्कूल में कर कर आई है, इस वजह से ये शायद फील कर रही थोड़ा थोड़ा सा। तो ये दोनों बच्चियाँ साथ ही सारा, अच्छा माशाल्लाह बहुत प्यारी फैमिली, अल्लाह खुश रखे। थैंक्स फॉर कमिंग। तो जी जनाब, इट्स टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स एंड मेडल्स। मेडल्स उन बच्चों को दिए गए जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल की, और बाकी तमाम बच्चों को जो है गिफ्ट्स मिले। इसके बाद जो है केक कटिंग सेरेमनी हुई, और लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड में हुआ मैजिकल शो, और हम सब ने किया खूब इंजॉय। आप सब बताइए आपने मेरी वीडियो इंजॉय की, और जो है अगर इंजॉय की है तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। अगर आपको लगता है मैंने वीडियो बहुत कट करके बनाई है तो डोंट वरी, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाइए और फुल वीडियो देखें और इन्जॉय कीजिए। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।